जहां दो बच्चों का हत्यारा पिता पुलिस की चंगुल में आ चुका है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी शरीफ में 12 और 13 मार्च की दरमियानी रात में दिनेश चौहान, जो कि इंदौर खजराना से ही अपने पूरे परिवार के साथ होली मनाने के लिए हुसैन टेकरी शरीफ आया हुआ था, लेकिन न जाने किसी बात पर उसने अपनी पत्नी अनीता पर रात में चाकू से जानलेवा हमला करके उसे घायल कर दिया और अपने दो बच्चों आदित्य जिसकी उम्र 16 वर्ष थी और रेखा जिसकी उम्र 13 वर्ष बताई गई उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। दोनों ही बच्चों को और महिला को जावरा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया था, जबकि अनीता को रतलाम के लिए रेफर कर दिया गया था। वही घटना के बाद से ही आरोपी दिनेश फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस जगह जगह पर तलाश कर रही थी, जहां मुखबिर की सूचना से आरोपी इंदौर के खजराना चौराहे पर देखे जाने की बात सामने आई। तत्काल औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी प्रकाश गाड़रिया, हुसैन टेकरी चौकी प्रभारी कुलदीप डाबी, एसआई दिनेश राठौर ने अपनी तीन टीमों के साथ घेराबंदी करके आरोपी दिनेश चौहान को पकड़कर उसे जावरा लाया, जहां उसने बताया कि पत्नी घर चलने का बोल रही थी और वो जाना नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर गुस्से में उसने आक्रोश में आकर सबको खत्म करना चाहा, लेकिन घायल पत्नी को मृत समझकर मौके से फरार हो गया। दिनांक 12-13 की दरमियानी रात में एक इंदौर का जो है दिनेश चौहान आरोपी, उसने अपने दोनों बच्चों को जहरीला पदार्थ खिला दिया था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी और पत्नी जो उसकी थी उसको भी चाकू मार करके और फरार हो गया था। सर, कुछ कारण बता पाया है क्यों मारा है, किस लिए मारा है? ये मामूली सा विवाद बता रहा है कि जो है पत्नी घर जाने के लिए जिद कर रही थी और वो नहीं जाना चाहता था, यहाँ रुकना चाहता था, इसी कारण से उन्होंने जो है जहरीला पदार्थ खिलाया और पत्नी को चाकू मारना बताया है। कहाँ से पकड़ा सर, कैसे सफलता मिली? मुखबिर की सूचना मिली थी कि ये इंदौर में जो है खजराना चौराहे के आसपास पहुँचने वाला है और वहाँ से कहीं निकलने की तैयारी में, इसी पर से हम लोगों ने दबिश देके पकड़ा इसको।